जंगल राज 3 ये जो है बिहार में चल रहा है। आप खुद सोचे, मैं ये क्यों कह रहा हूँ जंगल राज 3, एक होनहार परीक्षार्थी, होनहार विद्यार्थी जो आगे चल के DM बनता, SP बनता, कोई बड़ी पदाधिकारी बनकर देश की सेवा करता, अपने नीमेज का, बक्सर का और पूरे बिहार का और पूरे देश का जो नाम आगे बढ़ाता, उस विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी वो परीक्षा देने के लिए पटना स्टेशन पर उतरता है और वहाँ से उसका अगले दिन एग्जाम है, वो अपने गंतव्य पे पहुँचता है। रास्ते गंतव्य पर पहुँचने वाला होता है, मतलब रास्ते में ही कोई अपराधी उसको, उसकी गाड़ी को रोकता है और उससे पैसे मांगता है कि तुम्हारे पास जो पैसे हो हमको पैसा दे दो। वो विरोध करता है और विरोध करने पर उसे खुलेआम रोड पर ही गोली मार दी जाती है। उसके बाद वो अपराधी वहाँ से आगे बढ़ता है, पान की दुकान पर पान खाता है या गुटखा खाता है जो भी, और वो पान का दुकानदार उससे पैसा मांगता है कि भाई हमें मेरा 10 रुपया तुम दो। पैसा मांगने पर वो अपराधी उस पान के दुकानदार को भी गोली मार देता है और वहाँ से तब तक पुलिस की गाड़ी पहुँचती है वहाँ पर, और वो अपराधी वहीं पर था और पुलिस को देखते ही वो जो भागता है अपने बाइक को छोड़ के, और पुलिस उसको पकड़ो करती है। तब तक वो गली में होते हुए वो भाग जाता है। और ये कहाँ पे सारी घटनाएं हो रही हैं? तो ये सारी घटनाएं आपको बिहार राज्य, हमारे राज्य की राजधानी पटना में हो रही हैं। तो जो पटना में अपराधी इतने बेलगाम हैं, इतने अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, खुलेआम एक परीक्षार्थी को गोली मार देते हैं, इसी तरह बक्सर में एक पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला भी 2-3 दिन पहले हुआ है, आप सबको जानकारी होगा। तो अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पे बढ़ा हुआ है और बेखौफ अपराधी हैं। तो ये जंगल राज 3 है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो बिल्कुल कुंभकर्णी की नींद, वो चादर तान के सोए हुए हैं, वो ख्याली वो पुलाव बना रहे हैं, पूरे देश की यात्रा करके प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अपना ये जो बिहार है वो उनसे संभलता नहीं, यहाँ पर अपराधी बेलगाम है, यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, छात्रों पर लाठियां मारी जा रही है। क्या माना जाए कि फिर से जंगल राज शुरू हो गया? बिल्कुल जंगल राज शुरू हो गया है। और मैं नीतीश कुमार से कहता हूँ, नीतीश कुमार जी जरा भी शर्म बची है तो आप तुरंत इस्तीफा दीजिए, आप एक्सपायरी डेट गवा हो गए हैं, अब आपसे बिहार चलने वाला नहीं है, आप देश क्या चलाएंगे, आपसे खुद बिहार नहीं चल रहा है। और जितना जल्द आपको बिहार से आपको आपसे मुक्ति मिले उतना ही जल्दी बिहार का विकास होगा और बिहार का कल्याण होगा। मैं बिहार के DGP और जो भी बड़ी पुलिस पदाधिकारी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, ये जो छात्र की हत्या हुई है राहुल ओझा की, इसके अपराधियों को जल्द आए और इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए, मैं इसकी मांग करता हूं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम दुर्गेश उपाध्याय विद्रोही, जिला मुख्य प्रवक्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बक्सर। धन्यवाद।